Hello students, so this is our English lecture and in this lecture we are going to read the chapter 4 of English, that is the dolphin and the shark. ठीक है, हमारे chapter का name क्या है? The dolphin and the shark. ठीक है, so warm up exercise करते हैं. पहले work with your partner, make a list of 5 water animals, share your list with the class. देखो आपको कोई भी 5 वाटर एनिमल्स के नेम लिखने हैं यहाँ पर. ठीक है, मैंने भी अपने यहाँ पर लिखे हैं, आप मेरे से अलग भी लिख सकते हो या तो ये वाले भी लिख सकते हो आप. सो फर्स्ट लिखा है ऑक्टोपस, सेकंड है सी हॉर्स, थर्ड है गोल्ड फिश, फोर्थ है सी लॉयन एंड 5 है क्रैब. तो आप भी अपने तरीके से अपने कोई भी एनिमल्स जो है अलग अलग एनिमल्स भी लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. देखो ये क्या है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ शार्क एंड अ डॉल्फिन. जो ये स्टोरी है हमारी किसके बारे में है? शार्क एंड डॉल्फिन के बारे में है. शार्क क्या होती है? हमारी फिश होती है, डॉल्फिन एक मैमल होती है. ठीक है, एंड अबाउट द, और दोनों कहाँ रहती हैं? वाटर में रहती हैं. ठीक है, एंड अबाउट द मैजिकल एक्सपीरियंस दैट दे हैव वन डे. और किसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कि क्या एक जादुई एक्सपीरियंस हुआ, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उनको एक दिन. वॉज इट रियल, क्या वो सच में था? रीड एंड फाइंड आउट. और ये हम पढ़ के पता लगाएंगे कि ये सही ठीक है या नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव अ शार्क, वहाँ एक शार्क रहती थी और नेम्ड सिमोन. देखो शार्क का नेम क्या है? सिमोन है इसमें. एंड अ डॉल्फिन नेम्ड डुडली. एंड डॉल्फिन का नेम क्या है? डुडली है. दे लिव इन द ओशन. दोनों कहाँ रहते थे? ओशन में रहते थे, मतलब ओशन मतलब महासागर. नॉट टू फार फ्रॉम अ ब्यूटीफुल सैंडी बीच, मतलब जहाँ वो मतलब समुद्र के जो पास है वो क्या है, एक बीच भी था सुंदर सा. अ टॉल लाइट हाउस, लाइट हाउस भी था. लाइट हाउस क्या होता है? अ टावर विद अ फ्लैशिंग लाइट एट द टॉप टू गाइड शिप्स. ठीक है, एक फ्लैशिंग लाइट से चमकती है इसमें शिप्स को रास्ता दिख, शिप्स को गाइड करने के लिए. कोई भी जहाज है पानी का जहाज है तो कहाँ जाना है उसको गाइड करने के लिए वो लाइट हाउस भी था. एंड अ डार्क मर्की स्वैम, मर्की मतलब होता है डार्क एंड डर्टी, मतलब गंदी सी थोड़ी डार्क. स्वैम मतलब लैंड, सॉफ्ट एंड वेट मतलब गीली हुई मिट्टी. ठीक है, वर देयर ऑन द बीच, वहाँ बीच पर ये भी था. ठीक है, नाउ सिमोन एंड रिडली नो ईच अदर. देखो सिमोन एंड रिडली है वो एक दूसरे को जानते तो थे, बट दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मतलब ये तो था कि वो जो एक दूसरे को जानते हैं पर वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थे एक दूसरे के. ठीक है, बस जानते थे एक दूसरे को. रिडली हैड टू सिस्टर्स, रिडली की दो बहनें थीं. एंड दे प्ले टुगेदर एंड टुक केयर ऑफ ईच अदर, वो तीनों साथ खेलते थे और एक दूसरे की केयर भी करते थे. ठीक है, देखभाल करते थे एक दूसरे की. दे वर वेरी हैप्पी इन द कूल ब्लू वाटर, वो तीनों ही बहुत खुश रहते थे और इसमें कूल मतलब ठंडा समुद्र के जो पानी है उसमें बहुत खुशी से रहते थे वो तीनों भाई, तीनों बहने. ठीक है, बट सिमोन स्वैम अलोन, जो सिमोन था वो अकेले ही तैरता था. ही हैड नो ब्रदर और सिस्टर, उसका कोई भाई और बहन नहीं था. एंड नो वन टू प्ले विद, और उसके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं था. दिस मेड हिम ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब अनहैप्पी, इसी बात से वो दुखी हो जाता था. एंड सो ही वुड स्पेंड हिज डे स्विमिंग लेजीली, तो वो अपना दिन कैसे स्पेंड करता था कि लेजीली मतलब बहुत उसमें धीरे धीरे वो स्विमिंग करता था. फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ एंड जस्ट बीइंग मीन, मतलब वो अपने लिए सॉरी फील करता था कि कोई उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, उसका कोई भाई बहन नहीं है. ठीक है, और वो बहुत मतलबी भी था. ठीक है, सिमोन्स फेवरेट हॉबी वॉज टू अटैक डुडली एंड हिज सिस्टर. देखो सिमोन की क्या आदत थी, उसकी फेवरेट हॉबी थी जो डुडली हैं और उसकी बहनें हैं वो उसको उन तीनों पर वो अटैक करता था, हमला करता था. ही वुड डाइव डीप, मतलब वो नीचे छुप जाता था इन द वाटर, पानी में. लर्किंग नियर द बॉटम, लर्किंग मतलब होता है हमारा, देखो ये आपको मीनिंग भी दिया हुआ है. हाइडिंग एंड वेटिंग टू अटैक, मतलब छुप जाना और वेट करने के लिए, मतलब अटैक करने के लिए वेट करना. ठीक है, बॉटम में नीचे जाके. एंड देन व्हेन ही सॉ द डॉल्फिन प्लेइंग
नियर द सर्फिस. और जब वो देखता कि हाँ वो डॉल्फिन्स आ गई हैं, खेलने लगी हैं, ही वुड स्विम एज हार्ड एज ही कुड टुवर्ड्स देम एंड ट्राई टू बाइट देयर टेल्स. तो वो क्या करता था, एकदम से बहुत तेज भागकर मतलब स्विमिंग करके आता था और उनको कैच करने की कोशिश करता था और उनकी जो टेल्स हैं, पूंछें हैं, उनको बाइट करने की कोशिश करता था. बट द डॉल्फिन ऑलवेज सॉ हिम कमिंग. पर जो डॉल्फिन है वो उसको हमेशा देख लेती थी आते हुए. एंड दे वुड कम अप आउट ऑफ द वाटर. और वो पानी से बाहर आ जाती थी, स्टैंड ऑन देयर टेल्स, और अपनी टेल्स पर खड़ी हो जाती थी. एंड विसल्स एंड गिगल, मतलब सीटी हो जाती थी और दांत निकाल, मतलब खुशी वो बच जाती थी ना उससे, तो इसी वजह से वो खुश होती थी. ठीक है. दे ऑलवेज मैनेज टू कीप जस्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द सुमॉन्स बिग शार्प टीथ. वो हमेशा ही सुमॉन के बड़े और मतलब शार्प जो बिल्कुल पैने दांतों से वो बच जाती थी. हमेशा की बात है ये, वो बच जाती थी. ठीक है. I don't think Simon really want to catch them. Do you? मुझे नहीं लगता कि सिमोन जो है वो उनको कैच करना चाहता होगा. ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है? Because if he caught them, अगर वो उनको पकड़ लेता and ate them और खा लेता, he wouldn't have any fun anymore. अगर वो देखो, अगर वो उनको खा लेता तो उसको फिर वो किसके साथ खेलता. ठीक है ना, जो मस्ती करता था वो किसके साथ करता. बट यू नेवर नो अबाउट शार्क. पर हमें क्या पता शार्क के मन में क्या चल रहा था. सो रूडली एंड हिज सिस्टर वर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर सिमोन द ग्रम्प. ग्रम्प मतलब होता है समवन हु कंप्लेन अ लॉट. तो वो क्या करती थी, जो डूडली हैं और उसकी बहनें हैं थे, तो क्या करते थे, वो तीनों हमेशा मतलब सिमोन के लिए देखते रहते थे, वो आ तो नहीं रहा है. ठीक है, तो इसी तरीके से वो उससे बच जाते थे. So thank you, this is all about today's video.